नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा मसाला एंड तड़का में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की मिठाइयाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, और जहाँ बंगाल की मिठाइयों की बात आए, नथिंग कैन बीट देम। तो आज हम एक ऐसी ही बंगाली मिठाई की रेसिपी के साथ आप सभी के सामने आए हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसे घर में ईजिली बनाया जा सकता है। इस मिठाई का नाम है भापा दोई, जिसे कुछ लोग स्टीम योगर्ट पुडिंग भी बुलाते हैं, या फिर इसे इंडियन चीज़ केक कह के भी कुछ लोग रेफ़र करते हैं। आज मैंने इसके दो वेरिएशंस बनाए हैं, केसरिया या ज़ाफ़रानी फ्लेवर आप जिसे कहते हैं, जिसमें हमने सैफ्रन स्ट्रैंड्स का यूज़ किया है, और दूसरा क्योंकि आम का सीज़न है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ आम के साथ बनाया जाए। तो जो दूसरा फ्लेवर हमने बनाया है वो मैंगो भापा दोई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप हमारा साथ देते रहें। जो दोस्त अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हम उन्हें हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपना फीडबैक या सजेशन दें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अब बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलिए बनाते हैं हम अपनी भापा दोई। दोस्तों, भापा दोई बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें हंकर्ड। दही को हमने 3 से 4 घंटे मसलन क्लॉथ में बांध के रखा, जिससे उसका पूरा पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सैफ्रन स्ट्रैंड्स, जो कि ऑलरेडी मैंने दूध में भिगो कर रखा था। फ्लेवर एनहांस करने के लिए अब हम कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे, और अच्छी तरीके से अब हमें इन सब चीज़ों को मिक्स करना है ताकि कोई भी लंप ना रहे। दोस्तों, हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक रामकिन में। पेस्ट हमने रामकिन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे कवर करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल से। एक प्रेशर कुकर लिया है मैंने, जिसमें मैंने पानी डाला है ताकि हमारा रामकिन 1/3 पोर्शन सबमर्ज हो जाए। चलिए दोस्तों, तो वापस से इस प्रोसेस को दोहराते हैं अपना दूसरा फ्लेवर तैयार करने के लिए। दूसरा फ्लेवर यानी मैंगो फ्लेवर बनाने के लिए हमने सबसे पहले हंकर्ड लिया है। हंकर्ड बनाने की विधि मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कंडेंस्ड मिल्क। साथ में ऐड करेंगे मैंगो पल्प। और फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम इलायची पाउडर ऐड करते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें विस्क करना है। ऐसा विस्क करेंगे ताकि हमें कोई लंप ना मिले। थोड़ा दूध ऐड करते हैं इसमें। दूध ऐड करने के बाद हम इसे वापस से एक बार फिर से विस्क करेंगे ताकि हमें स्मूथ पेस्ट मिल जाए। अब हम इसे फिर से रामकिन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसे एल्यूमिनियम फॉइल से हम कवर करते हैं। वापस से हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें हम इस रामकिन को सबमर्ज करेंगे 1/3 पानी में। फ्लेवर्स को हमें प्रेशर कुक करना है अराउंड 12 से 15 मिनट। ये देखिए दोस्तों, हमारे दोनों फ्लेवर्स तैयार हैं, केसरिया और मैंगो। आप इसे अब सर्व कर सकते हैं अपने अंदाज में।